अक्षय दादी को देखना है, अक्षय दादी मना कर रहा है। कॉमेडी वीडियो भी बनाओ आप, कॉमेडी वीडियो देखो अभी अपने पूरी टीम साथ में नहीं है और अकेले तो क्या कॉमेडी वीडियो बनेगी। अक्षिता बापू मैंने संभाला, अक्षिता दी को दिखाओ, अक्षिता दी काम कर रहे हैं अभी। आपका स्टूडियो ओपन हो गया दी? हाँ जी स्टूडियो ओपन हो गया अपना। अब आर कटाओ, अब आर अपना अपन अपने स्टूडियो आ सॉन्ग सुना दो। सॉन्ग तो आप इतने सारे सॉन्ग है मेरे इस पे वीडियो पे, मतलब इस चैनल पे आराम से आप लोग वहाँ से सारे सॉन्ग सुनिए मेरे। और लाइव सुनने का मजा तो वैसे कुछ होता है, लेकिन वैसे क्या होता है ना अपन रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं भैया, जैसे वी आर पी भी आए तो वो काफ़ी सारी चेंजिंग कर देते हैं अपनी वॉइस में। जयमा करनी दी साहब आप मोटिवेशनल वीडियो भी बनाओ, आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है। मोटिवेशनल वीडियो पता है हम लोग मोटिवेट अपने आप से होते हैं, किसी के बोलने से नहीं होते हैं मोटिवेट, वो एक अलग बात होती है। हम हमारे मन में ही बना के रखते हैं कि हाँ इस इंसान की बातें हमें बहुत अच्छी लग रही है, इस इंसान की बातें हमें कुछ सिखा रही है, इस इंसान की बातों से हमें कोई प्रेरणा मिल रही है। बाकी पता है हम लोग अपने आप से जितना सीख सकते हैं ना उतना किसी से नहीं सीख सकते। बाकी दुनिया हमें सिखाने के लिए है, दुनिया से सीखो, जो भी इंसिडेंट होते हैं उनसे सीखो, जो भी सिचुएशन क्रिएट होती है उनसे सीखो, जो भी कंडीशंस क्रिएट होती है उनसे सीखो, और उनसे उनसे ज़्यादा हम कहीं से सीख ही नहीं सकते। स्कूल में जो भी हमको ज्ञान मिलता है या कॉलेज में जो भी हमको ज्ञान मिलता है ना वो सभी को इक्वल मिलता है, सभी को एक जैसा मिलता है, किसी को कम ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन हम जो हमारी लाइफ से सीखते हैं ना वो हम शायद किसी से कम ज़्यादा सीख सकते हैं। तो जहाँ तक पॉसिबल हो अपने आप से सीखने का कोशिश करो, दुनिया से सीखने का कोशिश करो, बाकी और कोई कुछ नहीं सिखा सकता। बाकी मुझे मोटिवेट करने वाला पर्सन मेरी लाइफ में मेरे फादर हैं। मेरे फादर ने बहुत स्ट्रगल देखा है और मतलब मैं मेरे फादर के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। मतलब जो आज तक जो कुछ मैं हूँ, जो कुछ मैं बनी हूँ, जो कुछ मैं बोलती हूँ, मेरे जो वर्ड्स होते हैं वो सब मेरे फादर के होते हैं, वो सब उनकी वजह से है, वो सब मतलब सब कुछ उनकी वजह से है। मतलब मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस दुनिया में जब तक मेरे फादर हैं तब तक मैं रहूँ, और जिस दिन भगवान ना करे ऐसा कभी हो, जिस दिन वो नहीं उस दिन मैं भी नहीं, बस मेरे फादर की वजह से मैं हूँ, अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं। नेक्स्ट सॉन्ग कब आ रहा है जी? बहुत जल्दी आ रहा है नेक्स्ट सॉन्ग भी, बहुत जल्दी। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम जोधपुर। जोधपुर से तो मुझे बहुत सारा प्यार मिलता है, जोधपुर से तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। इवन मेरे जो वीडियोस, जो ज़्यादातर वीडियोस मेरे देखे जाते हैं वो जोधपुर में, शायद 95% वीडियोस मेरे जोधपुर से देखे जाते हैं। इवन मेरी जो फोटोज़ पोस्ट होती है उन फोटोज़ पर जो एक्शन रिएक्शन होता है वो जोधपुर से होता है। सो जोधपुर से तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, जोधपुर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, इसके लिए थैंक यू सो मच। आप जयपुर से हो? जी हाँ मैं जयपुर से हूँ, जयपुर आसान से बिलोंग करती हूँ, मैं बचपन से ही यहीं हूँ और अपना आप सब कुछ जयपुर को ही मानना पड़ेगा ऑब्वियसली। हरियाणा से भी? हरियाणा ही नहीं, मैं बताऊँगी, मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड करूँगी, मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी स्टोरी पे, तब आप लोग देखिएगा। हरियाणा से मैं भी 65-60% होता है। इवन जोधपुर से बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, सबसे कम तो उदयपुर का है, उदयपुर का 25-30% ही है वहाँ का तो, लेकिन उदयपुर का बहुत हाई लेवल पे जाता है, 95%, कभी कभी 90% होता है उदयपुर का, सॉरी जोधपुर का। जयपुर ये सॉन्ग ऑसम, थैंक यू सो मच। कभी बिहार भी आओगे जी? बिल्कुल बिल्कुल। किसका मनु फोन है? देख आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। आप अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करती हो? मैं गुस्सा कैसे कंट्रोल करती हूँ? मुझे अगर सामने वाला इंसान लगता है कि मेरे गुस्से के लायक है तो मैं उस पर गुस्सा करती हूँ, और गुस्सा हमेशा अपनों पे आता है। और सेकंड थिंग, बस आप ये अपने दिमाग में सेट कर लो कि क्या सामने वाला इंसान मेरे गुस्से के भी लायक है क्या, और अगर वो आपके लायक हो तो उस पर गुस्सा करो, नहीं है तो छोड़ो उसको, बात खत्म। अपने मन से एक अच्छा सा सॉन्ग बना दो जी, बिल्कुल, जब अपन लाइव खत्म करेंगे तो जरूर मैं एक अच्छा सा सॉन्ग सुनाऊंगी आपको।
बिहार कब आओगे आप जी? बहुत जल्दी बहुत जल्दी जी। नेपाल से भी आपको सपोर्ट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जवाब दो, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। कौन बहुत ज्यादा बोल रहा है? जो बहुत आप कितने सिस्टर हो? मैं एक ही सिस्टर हूँ, मेरा भाई एक मुझसे छोटा है वो, और बाकी मेरी पूरी आर्की लाइफ टीम है, वो मेरी किसी सिस्टर से कम नहीं है। लाइक फैमिली वाले इतना साथ नहीं देते हैं जितना फ्रेंड्स साथ दे देते हैं, और मेरे फ्रेंड्स किसी फैमिली से कम नहीं है। मेरी पूरी आर की लाइफ फैमिली, मैं बहुत लकी हूँ उनको पाकर। महाकाल की नगरी कब आओगे? अक्षिता को लेके आएंगे? शिवम उज्जैन से है क्या? 2 साल बाद तो सगाई में ही जाएंगे। शादी में तो पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, सगाई में जाएंगे। बिहार से भी सपोर्ट है। हाँ जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छे से पता है आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं बहुत। बिहार बिहार आज तो क्या बात है, मतलब वहाँ से मुझे मतलब कौन है बिहार से? चुप रह, बकवास मत कर, बोले मत मेरे से। पीपीकेके बोलो बोलो क्या करेंगे, बोलो बोलो क्या करेगा का आपने क्या किया था? अपन ने उसका कॉपीराइट आ गया, उसको कॉपीराइट आने के बाद हम लोगों ने उसका ऑडियो डिलीट कर दिया। ऑडियो डिलीट करने के बाद मैं उसका ऑडियो का आवाज नहीं आएगा सिर्फ आसाम घूमने का बोगे। आसाम तो यार मेरे को कोई बुला लो, मैं तो आसाम ऐसे ही आया हूँ, भाग के आ जाऊँ मैं तो। मेरे को बहुत मन है आसाम घूमने का। आसाम के लिए तो इसको अक्षिता को मत बोलना, डायरेक्ट मेरे को मैसेज करना, नहीं तो ये मम्मी पापा को बताते कि आसाम अगर मेरे को कहीं घूमना है तो मुझे आसाम जाना है। आंसू आ रहे मेरे। आप सिंगर हो क्या? नहीं जी मैं सिंगर नहीं हूँ, सिंगर है। आज हमारा बर्थडे रतन भंवर प्रताप सिंह जी, आपको अवतार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कन्नी माँ ब्लेस यू, जो चाहते हैं वो पूरा हो। सो आज का लाइव शायद अपन ने बहुत लंबी लंबी बातें कर ली और बहुत सारी बातें कर ली, मुझे बीच में इमोशनल भी कर दिया था आप लोगों ने, लेकिन मैंने कंट्रोल किया। वेरी गुड रतन। सो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लाइव में, और मैं अपडेट कर देती हूँ आप सभी को कि अपने बैक टू बैक सॉन्ग्स आने वाले हैं। अभी ऑफिशियल वीडियोज़ तो नहीं आ पाएंगी, बट लिरिकल वीडियो ज़रूर मैं पोस्ट करूँगी अपने इसी चैनल के ऊपर। सो अभी तक जैसे आप लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, तो अभी तक अगर आप लोगों में से किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। मैं देख रही हूँ देखो कौन कौन सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे पास नोटिफिकेशन आ रही है सब्सक्राइब करने की, है ना? तो सब्सक्राइब करो, और मैं बिल्कुल हताश नहीं करूँगी अपने वीडियोज से, बिल्कुल मोटिवेशनल वीडियोज़ होंगे, हर टचिंग वीडियोज़ होंगे। सो अभी तक अगर नहीं किया है सब्सक्राइब सकर पा रहा, मेरी मम्मी बोलती है, मेरी मम्मी को सब्सक्राइब बोलना नहीं आता, मेरी मम्मी बोलती है कि तेरे चैनल को किस किसने सकर पा रहा करा। तो मम्मी फिर हमको भी मम्मी के जैसे बनना पड़ता है, मम्मी मेरे चैनल को बहुत सारे लोगों ने सकर पारा कर लिया।
बिकॉज माँ ही तो हमें जो भी सब कुछ सिखाती है, आज हम इतने बड़े नहीं हो गए कि उनको सिखाएंगे हम लोग, तो मुझे भी बोलते हैं हाँ मम्मी बिल्कुल सीख गई है, ठीक है। तो अगर अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को शक्करपारा नहीं करा है तो जल्दी सीख लीजिए। नेहा मामी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। अपना ध्यान रखिए, अगर घर से बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल सेफ्टी के साथ निकलिए, और अपना ध्यान रखिए अपने फैमिली।